नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त भारतीय टीम से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल भारतीय टीम के टेस्ट कप्तान अजिंक्य रहाणे बनाए गए हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में अजिंक्य रहाणे कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। विराट कोहली टेस्ट मैचों के दो मैच जो होने हैं उसमें पहले मैच में उपलब्ध नहीं रहेंगे, इसी वजह से अजिंक्य रहाणे कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले कहा जा रहा था कि टी20 टीम के कप्तान रोहित शर्मा को ही टेस्ट में भी कप्तानी दी जाएगी, लेकिन रोहित शर्मा पर बीसीसीआई ने टेस्ट क्रिकेट में भरोसा नहीं जताया है और उप कप्तान अजिंक्य रहाणे को कप्तान की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अजिंक्य रहाणे ने जब विराट कोहली के गैर मौजूदगी में कप्तानी संभाली थी तो शानदार तरीके से भारत को जीत दिलाई थी और भारत ने गाबा में इतिहास रचा था। आपको बता दें उस सीरीज में विराट कोहली पिता बनने वाले थे, जिसकी वजह से वो स्वदेश वापस लौट आए थे और 20 सीरीज में अजिंक्य रहाणे ने कमान संभाली थी। फिलहाल अब न्यूजीलैंड के खिलाफ अजिंक्य रहाणे कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। दूसरे टेस्ट में विराट कोहली की वापसी होगी, तब विराट कोहली एक बार फिर से कप्तान के तौर में टीम इंडिया के साथ टेस्ट मैचों में जुड़ेंगे। इसके अलावा आपको ये बता दें कि अजिंक्य रहाणे ने अभी तक जब भी भारतीय टीम की कप्तानी की है टेस्ट में, भारत को कोई भी हार नहीं मिली है। ऐसे में अब देखना होगा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वो अपनी जीत का प्रतिशत एक बार फिर से शानदार रखते हैं या न्यूजीलैंड की टीम कुछ उलटफेर कर पाती है। फिलहाल देखना होगा कि किस तरीके से भारतीय टीम अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में टेस्ट क्रिकेट खेलती है।